मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए एक रास्ता दाता कॉलोनी की तरफ मुड़ता है, थोड़ी दूर पक्की सड़क, फिर थोड़ी धूल के साथ आप आगे बढ़ेंगे, 3 मंजिला एक अपार्टमेंट दिखेगा, पहले माले पर कुछ लोग रहते हैं, दूसरे पर लिखा है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। ये कॉलेज कथित तौर पर पूर्व निदेशक चिकित्सा शिक्षा NM श्रीवास्तव और उनके परिजनों के नाम पर है, 3 कमरे हैं। 2015-16 से इसका सेशन है, आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे, तो आप सोचिए फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है चूँकि अब CBI जाँच कर रही है तो 2020 में आखिरी बैच था, ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, यानी जो नियम बना रहे थे। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस बताता है कैसे वही इन नियमों को धता बता रहे थे, न कॉलेज की कायदे की बिल्डिंग, न लैब, न अस्पताल, न ट्रेनिंग। जरा सोचिए यहाँ से पढ़े लिखे नर्स क्या काम करते होंगे, क्योंकि सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। कॉलेज की सफाई भी इस मामले में सुनिए। क्लासेस यही लगती हैं दाता कॉलोनी में? हाँ हाँ, क्लासेस यही लगती हैं और 20 के बच्चे, आपको पता है 3 साल से एग्जाम दिया नहीं है उनने, तो वो सारे के सारे घर पे रह के स्टडी कर रहे हैं। असल में वो भी कितना स्टडी करेंगे, एक्चुअल में वो 3 साल से एक ही स्टडी करे जा रहे हैं। हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल एक्चुअल में एफिलेटेड था हमारा 2020 के बैच के लिए, GK हॉस्पिटल, अच्छा एलन वाला, ओके। वो 2020 के लिए एफिलेटेड था असल में। 3 साल से मामला पढ़ाई है ना, आप देख ही रहे हैं, 3 साल से मतलब 3-4 साल लग जाएगी अगर आप देखेंगे उस सेशन के हिसाब से। अगर INC की एडमिशन डेट देखेंगे तो ये आपके अक्टूबर में उत्तर, फिर 4th साल शुरू हो जाएगी उनको देखा जाए। और सेशन कॉलेज 15-16 से रनिंग है असल में, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2015-16 है। तो 2-3 बैचेस तो निकल गए होंगे कम से कम? कंप्लीट है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, 20 का बैच है हमारे पास सिर्फ। थोड़ी दूर पर करौंद इलाके में पता लगा कि KA नर्सिंग कॉलेज है, हम ढूंढने निकले, बहुत खोजा लेकिन कॉलेज शायद गायब हो गया था। जबलपुर का सिल्वर ओक नर्सिंग कॉलेज तो गैराज का पता बता रहा है। नियम कहते हैं BSc नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए संस्था के पास कम से कम 100 बिस्तरों का अस्पताल या उसे संबद्धता होना जरूरी है, 60 छात्रों वाले कॉलेज के पास 3,200 वर्ग फीट का अकादमिक भवन होना चाहिए, 21,100 वर्ग फीट का हॉस्टल ब्लॉक होना चाहिए जिसमें 30% छात्रों के लिए आवासीय सुविधा अनिवार्य है, शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:10 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा दुनिया में जब स्वास्थ्य के मामले में आपदा थी मध्य प्रदेश में अवसर ढूंढे गए। यही वजह थी कि 2019-20 में 450 नर्सिंग कॉलेजों को राज्य में मान्यता मिली तो 2020-21 में 670 नर्सिंग कॉलेज खुल गए, लेकिन जब कोरोना काल में इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पताल मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कह दिया कि उनकी मान्यता निरस्त की जाए। इसके बाद कॉलेजों की संख्या भी गिरती गई, 2021-22 में 591 तो 2022-23 में प्रदेश में 491 नर्सिंग कॉलेजों ने मान्यता मांगी। आज राज्य में 695 नर्सिंग कॉलेज हैं जिसमें सिर्फ 25 सरकारी हैं जबकि 670 निजी। सवाल ये है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय प्रशासन से लेकर नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी सब निरीक्षण, परीक्षण और सत्यापन करते हैं, ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ तो कैसे? मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालत ये है कि जिन छात्रों को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ सिटी में रह के किराए के रूम पे रहते हैं और लोन लेके वो फीस भरते हैं, उसके बाद भी एग्जाम नहीं होते तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये 4 साल की डिग्री रहती है लेकिन यहाँ पे अभी हमको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हो पाया। समय से फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रमोशन करे और थर्ड ईयर के एग्जाम जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले सके। सरकार अपनी हर कोई काम कर रहा है लेकिन स्टूडेंट के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो सरकार स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है जब
सरकार जो सोच रही है जो स्टूडेंट को जो बुला बुला कर रखे, भांजा भांजियों कह कर के पुला कर रखे, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि हम लोग जिस अभी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हम लोग का परिवार इतना स्ट्रगल नहीं है जो हम लोग 10 साल तक वेटिंग करें, 5 साल तक वेटिंग करें। हम लोग का भविष्य दांव पे लगा है, हम लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो हम बस शिवराज मामा से बस इतनी अपील करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और बस एग्जाम डिक्लेयर करा दें और एग्जाम करा दें हम लोगों के। 3-4 महीने और चलेगी, उन्होंने ये अभी आदेश दिया है 27 तारीख को सर, लेकिन ये गलत है ना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, कम से कम उनके लिए तो परीक्षाएं आयोजित करानी जानी चाहिए। लाखों छात्र परेशान हैं, इनकी परेशानी परेशान करने वाली है। पिछले 3 साल से ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी परीक्षा नहीं हुई। इन सवालों को लेकर सरकार में हमने चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से जवाब मांगा, लेकिन सबके पास एक ही जवाब, मामला कोर्ट में है। लगातार हमारा प्रयास चल रहा है, हम लोगों ने 52% HR हमने बढ़ाया है, चाहे डॉक्टर हों उसमें, चाहे नर्स हों उसमें हमारी, चाहे हमारी ANM बहन हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो। नर्सिंग कॉलेजों को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको लेकर कोर्ट में जो चल रहा है, तो कोर्ट का उस मामले में कुछ कहना नहीं। माननीय न्यायालय में क्योंकि ये प्रकरण है, इसलिए इस विषय पर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ये विषय अभी न्यायालय की परिधि में है। हम तो बिल्कुल न्याय, हम भी न्याय, कोई बात ही नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि अभी न्यायालय में प्रकरण है, तो इस विषय में कुछ बोलना उचित नहीं।